अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर यहाँ से आ रही है, जो मेडिकल कॉलेज जहां पर मैं हूँ यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर पिस्टल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बाइक लुढ़की पड़ी है क्योंकि मीडिया यहाँ पर थी, कैमरे यहाँ पर देखिए गिरे हैं, टूट गए हैं, माइक आईडीज टूट गई हैं, और ये खून से लथपथ जो कपड़े हैं, जो अंगोछा है और ये पिस्टल्स हैं वो यहाँ पर लगातार हैं। पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब होंगे कि आखिर किस सिक्योरिटी में यहाँ पर लाए थे कि इस तरह का इनकाउंट, ये इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है, ये भी पूछना पड़ेगा। तो सर सर ये किस तरह से कैसे हो गया सर, प्लीज प्लीज, किस तरह से पुलिस जो है कुछ नहीं बोल रही है, आप देख सकते तस्वीरें यहाँ से, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर गोली किसने चलाई सर, अनआइडेंटिफाइड लोग थे, किसने चलाई, क्या लगता है प्रथम दृष्टया आपको? सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? तो देख सकते हैं आप पुलिस जो है वो सवालों से पूरी तरीके से, यहाँ बस्ती आप देख सकते हैं नजर आ रही है, और यहाँ पर जमावड़ा था कई मीडिया पर्सन का, उस वक्त ये तड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हुई जहां पर अतीक अहमद और अशरफ दोनों को, यहाँ पर दोनों की मृत्यु हो गई है, दोनों खत्म हो गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से यहाँ पर, ये तस्वीरें मैं आप दिखा रहा हूँ, चप्पल जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है, और लगातार यहाँ पर पूरे गेट को यहाँ से कुल तीन लोग बताए जा रहे हैं, तीन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जो सूचना मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज जो है इस अस्पताल को बंद कर दिया गया, जो थाना लेगा बगल में है जहाँ लेगा पकड़ लिया गया है, ऐसी सूचना यहाँ पर मिल रही है, जिन्होंने गोली चलाई है उनको थाने में ले गए हैं आसपास के। और ये पूरा स्पॉट बन गया है क्राइम का, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय काल्विन कॉलेज है जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये अस्पताल ही आज पूरा स्पॉट बन गया है, क्राइम का स्पॉट बन चुका है। यानी कि ये आप देखिए किस तरह से पूरी तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ को खत्म कर दिया गया है, मार दिया गया है, और जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, बताया सूत्रों से ये जा रहा है कि पुलिस ने उनको वहीं पर पकड़ लिया, दबोच लिया है, और लगातार यहां पर तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहां पर गोलियां चल रही, कैमरामैन लगातार सीक्वेंस आपको दिखाएंगे, विजुअल यहां पर दिखाएंगे कि यहां पर ये एक बड़ी घटना है। सबसे पहले खबर आज तक ने आप तक पहुंचाई है, इंडिया टुडे ने आप तक पहुंचाई है कि किस तरह से ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें अतीक अहमद और अशरफ की हमने आपको यहां से दिखाई है, और पूरे स्पॉट को एक क्राइम स्पॉट के तौर पर किया जा रहा है, एक अलग स्पॉट यहां बन गया है, जो बरामदगी जो पिस्टल है वो वहीं की वहीं है, जो स्पॉट है उसको पुलिस बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, जो चीज जहां थी वो वहीं पड़ी है, जो अंगोछा है वो वहीं पड़ा हुआ है, और पुलिस इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पूरी पड़ताल होनी है, पर पुलिस वाले अभी भी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, आज तक जब जब सवाल कर रहा है उन्होंने पूरी चुप्पी साध रखी है, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये केस कहीं ना कहीं अब और ऊंचाई पर, रिमांड का अभी दो दिन का लगभग ढाई दिन, दो डेढ़ दिन का समय बचा था, मंडे यानी सोमवार को शाम 5 बजे तक की पुलिस रिमांड थी, और उस बीच में इस घटना का हो रहा है वो भी एक अस्पताल के अंदर, जब पूरी पुलिस सिक्योरिटी में प्रयागराज पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ तीन जीप में दोनों ही यहां पर आते हैं, और उस बीच में गोली चलना कहीं ना कहीं सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी उठाएगी, ये जरूर माफिया है पर पुलिस कस्टडी में किस तरह से मौत हुई है, ये सवाल उठने क्योंकि यहां पर देखिए जितनी चीजें बरामद हुई है वो हम दिखा रहे हैं आपको, और विजुअल्स कैमरामैन लगातार आपको यहां से लगातार दिखाएंगे। पहली तस्वीर हमने आपको यहां से दिखाई है, और अब यहां से बॉडी को शिफ्ट भी किया जा सकता है, जो तस्वीरें आपको हम यहां से लगातार दिखा रहे हैं, ये सवाल उठेंगे क्योंकि किस तरह से घटना को अंजाम यहां से दिया गया है, दोनों के शव यहां पर है, और बैरिकेड से अब पूरे क्राइम सीन के इर्द गिर्द यहां पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पूरे क्राइम सीन पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त जो है पूरा कुछ मीडिया पर्सन, इवन आज तक की टीम यहां पर मौजूद थी, और किसी तरीके से हम सब अपनी जान बचाकर कहीं भागे, बाहर की तरफ भागे, जो गोलियों की खड़खड़ाहट थी वो एक साथ कई राउंड फायर हुआ था, और जय श्री राम के नारे लगे, और यहीं पर अतीक और अशरफ को मार दिया गया है। पर सवाल यही है कि जब इतनी सघन सिक्योरिटी, जितने पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं इसमें से कम 60% पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटना इतनी टाइट पुलिस सिक्योरिटी में कैसे हुई, कैसे आखिर इस टाइट सिक्योरिटी में हुई, और जितने बड़े अधिकारी हैं वो जो है
वो एकदम इस पूरे मामलात पर चुप्पी साधे हुए हैं।